फिजियोथेरेपी में आजकल कौन सी ऐसी डिजीज़ जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड है मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जब स्ट्रेस होता है या एंगजाइटी होती है तो आपके पट्टे खिंच जाते हैं या फ्रोजन शोल्डर्स इज़ वन ऑफ द थिंग्स सो उसमें ऐसी कौन सी थेरेपी है प्लस ऐसे कौन से ऑयल्स हैं या मसाज है या मेडिसिन uh, कर, कर सकते हैं सबसे, है, है, सबसे पहले हमारे आता है, है वो स्पेज में चले जाते हैं बहुत से लोग होते हुए कहते हैं कि हमारे पट्टे खिंच गए हैं ठीक है थीके? तो उसमें ये होता है कि जब आप एक स्ट्रेस में जाते हैं तो आपके जब पट्टों में स्पेजम होता है उसके साथ साथ आपके बॉडी पे पूरी बॉडी पे असर होता है क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स नहीं होता जब आप मेंटली

अपने मसल्स को स्ट्रोंग करें अपने मसल्स को कैसे स्ट्रांग करना है आप प्रॉपर जो है एक दफा किसी डॉक्टर के पास चले जाएं ठीक है उनको बताएं कि इस तरह के आपको इश्यूज आ रहे हैं वो आपको एक होम प्लान गाइड करेगा होम प्लान में तीन चार एक्सरसाइज होती हैं मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए इसके अलावा जब आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अब ये इशू चल रहा है तो आपको ये इशू होने हैं बहुत से लोगों को पता लग जाता होता है कि अच्छा भी मैं मुझे ये टेंशन और मेरी टेंशन की वजह से स्ट्रेस की वजह से मेरी हैड हो रही है या मेरे पट्टे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं या मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें क्योंकि वो ऐसी एक्सरसाइज होती है उसमें स्पेशली आपको कहीं जिम नहीं जाना पड़ता वो आप बैठे बैठे लिटी लेट -लिट भी कर सकते हैं तो इसके अलावा अगर आप न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें तो आपको चाहिए कि आपका जिसमें कैल्शियम

तो स्टार्ट हो जाती हैं या जो बड़े हैं उनमें भी ये चीज़ होती है सो व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स एंड पॉस्चर्स जो आपको यूटिलाइज़ करने चाहिए फॉर टू अवॉइड अब बैक पेन एक ऐसा इशू है कि पहले तो हम ये कहते थे कि ओल्ड एज में होता है क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो गई है डेफिशेंसीज आ जाती हैं, आपकी बॉडी के सिस्टम जो है वो ज़रा स्लो हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो है वही होना शुरू हो जाती है लेकिन जो आज ले है वो बैक पेन जो है वो सभी को इफेक्ट कर रही है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ठीक है उसकी मल्टीपल रीजन है जिस तरह अगर हम यंगस्टर्स या अडल्ट की बात कर लें जिनकी अभी थर्टी से भी कम है ठीक है वो भी बैक पेन का शिकार है सबसे मेन जो रीज़न आती है ख़ासतौर पे जवानों में उसमें उनका पोस्चर होता है ठीक है पोस्चर अगर वो सही तरीके से नहीं बैठेंगे या अपना करेक्ट पोस्चर नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उनके मसल्स जो हैं वो स्पेज में जाना शुरू हो जाएंगे आपकी जो एक प्रॉपर अंदर एक अलाइनमेंट होती है स्पाइन की वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी अगर आप टेढ़े होकर बैठेंगे या आप स्लाउज पोस्टर में बैठेंगे इसके अलावा आपका जो है वो प्रोफेशन बड़ा मैटर करता है ठीक है अगर आप बैंकर हैं या आप सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं या आपका कोई ऐसा काम है कि चौबीस घंटे अपने लैपटॉप के आगे बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बैक भी इफेक्ट होगी आपकी जो है वो नेक भी इफेक्ट होगी तो इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये काम है तो मैंने अपनी बॉडी मैकेनिक्स को किस तरह उसके अकॉर्डिंग सेट करना है मिसाल के तौर तो पर अगर कोई आ, किसी का काम है ऑनलाइन काम है कंप्यूटर पर काम करता है अब उसको पता है मैं ये काम नहीं छोड़ सकता लेकिन आ, काम करता हूँ तो आपके जो है वो नेक में पेन होती है बैक में पेन होती है तो आपको तो एक पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो बैठने का तरीका कार है उसको सेट करना है दूसरी ये चीज है कि आपका जिस जगह पर बैठते हैं आपकी चेयर वो कंफर्टेबल होनी चाहिए वो आपको ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप बैठते जो आपको पेन फील होना शुरू हो जाए और पीछे हमेशा आप एक स्पोर्ट रखें ठीक है आपकी जो बॉडी की अलाइनमेंट है वो एक कुरेक्शन में रहे दूसरी चीज ये है कि जिस तरह आप अब नेक आप फोन यूज़ करते हैं सारा दिन हमारा सॉफ्ट पोस्टर होता है लोगों को नहीं पता लगता है लेकिन वक्त के साथ जो हमारे मसल्स होते हैं वो एक्सपेज में चले जाते हैं जिसकी वजह से अक्सर यंगस्टर्स में खासतौर पे आपकी सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग हो जाती है उसमें आपके नॉर्मल कर्व्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं लग रहा होता तो उसमें ये है कि आप अगर लैपटॉप सामने रखें आपने तो आपकी उसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से करें एक टेबल है ठीक है उसके नीचे आप कोई ऐसा स्टूल रख दें या कोई भी ऐसा चीज रख दें जिसकी आपकी और लैपटॉप की जो अलाइनमेंट है बिल्कुल इक्वल हो जाए इसके अलावा आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ताकि आपका जो है वो मसल स्ट्रॉन्ग रहे और इन इशू से आप बच सकें अच्छा इसी से एक क्वेश्चन है कि आजकल ऑर्थोपेडिक कुशंस यूज किए जाते हैं हाउ मच दे आर यूजफुल या दे आर जस्ट मेकिंग मनी दिस इज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन वो यूजफुल हैं लेकिन आप उनका अगर सही इस्तेमाल करें ठीक है okay. उसमें ये होता है कि बहुत से लोग गाड़ियों में भी यूज करते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा ट्रेवलिंग होती है उनको पता होता है कि अच्छा हमने इतने घंटे सफर करना है अगर वो नहीं रखेंगे तो उनकी पेन शुरू हो जाती है वो यूजफुल इस तरीके से है कि आपकी चेयर तो है वही नॉर्मल होती है पाकिस्तान में कुछ खास स्पेसिफिकली चेयर बनती नहीं है हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या जो हमारे अर्गोनॉमिक्स होते हैं या हमारे बॉडी मैकेनिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो फिर आप ऑर्थोपेडिक पिलोज का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो मेडिकेटेड होते हैं इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि जैसे आप उनकी सपोर्ट लें या टेक लें तो आपको एक कंफर्ट या रिलीफ फील हो इसी तरह इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है वो नेक के लिए बने हुए हैं आपकी बैक के लिए बने हुए हैं अगर आप उनका सही इस्तेमाल करें यूजफुल होते हैं वो ओके okay. तो उसमें कोई सर्टेन किस्म का या आ, जो कि यूज किया जा सकता है इफ यू वांट टू रेफर समथिंग अगर आप बैंक बैंक में काम करते हैं और आपको पता है कि आपको कोई खास उस तरह की पेन हो नहीं रही लेकिन आप समाइम फील करते हैं कि मेरे बैठने की वजह से कि जो है वो मेरा थोड़ा सा ना पेन निकलना शुरू हो गया ठीक है तो आप जो है कोई भी ऑर्थोपेडिक आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप वो आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये भी एक होता है क्योंकि सम टाइम जो है वो आपका इशू उस तरह का नहीं होता आप खुद जाके खरीद लेते हैं वो आपको ज्यादा जो है वो इशू कॉज करता है मिसाल के तौर तो पर बहुत से पेशेंट होते हैं खुद जाके मैटर्स खरीद लेते हैं हार्ड मैटर्स ठीक है तो अगर किसी का ऑलरेडी बॉडी इतनी फटीग में है स्टिफनेस में है वो बहुत ज्यादा हार्ड मैटर्स पे लेटेगा ठीक है तो उसके जो प्रॉब्लम्स है बॉडी पेन्स है बढ़ जाएंगे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करें वो आपको बताएगा कि आपको किस रेंज में चाहिए आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है सो इससे अगला मेरा जो आपसे सवाल है दैट इज कि बहुत ज़्यादा ये टैबू है जैसे कि बिल्कुल आपने अर्ली जब हमने बात स्टार्ट की तो उसमें मेंशन किया कि डॉक्टर्स और एक फिजियोथेरेपिस्ट की जो डिग्री है उसमें कहीं ना कहीं जाके कंपैरिज़न आ जाता है ठीक है मोस्टली जो पेरेंट्स हैं दे डू नॉट लेट देयर किड्स गो इन टू दिस फील्ड बिकॉज दे फील्ड के एक्सेल नहीं कर सकते या ये वो उसका वो मैार नहीं है तो इसके ऊपर वॉट इज़ योर टेक Uh, अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में ठीक है तो पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं है नहीं बेसिक चीज़ ही है और दूसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं इवन की एम बी बी एस सी कोई भी डॉक्टर है ठीक है तो जब आप देखते हो ना जॉब्स के हवाले से बाकी कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें जॉब ज्यादा मिल जाती है लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको जॉब नहीं मिलती तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इसलिए जो पेरेंट्स है फिर इस चीज़ को जो है वो थोड़ा रजिस्ट करते हैं अपने बच्चों को अच्छा ये आप डिग्री ना करें इसका कोई फायदा नहीं है और दूसरी ये चीज़ भी होती है कि इसमें बहुत ज्यादा एग्जर्शन वाला काम होता है उनको पता होता है कि हमारा जो है वो आगे बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता वैसे अगर देखा जाए नॉलेज के हवाले से या इसको पेशेंट के हवाले से कि आप ये किस हद तक फ़ायदा मंद है और ये किस तरह मतलब पेशेंट इससे ठीक होते हैं तो मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन डिग्री क्या अगर आप किसी को विदाउट मेडिसिन ठीक कर रहे हो और आपकी बैक का इशू है या आपकी माइग्रेन है एवन कि माइग्रेन भी आपकी एडिक्ट जो है वो नेक की वजह से होती है ठीक है बहुत नाइन्टी परसेंट तो आप उसको विदाउट मेडिसिन ठीक करो तो इससे बेहतरीन डिग्री हुई नहीं है ओके okay. सो so, इससे अगला सवाल ये है कि जो सारे बोन्स के प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी इज नीडेड आपके मसल्स गेट पोल्ड तो कोई ऐसे मल्टी वाइटमिन विच पीपल या फीमेल्स शुड टेक एंड मेल्स शुड टेक मल्टी वाइटमिनस के हवाले से वही डिपेंड करता है कि आपके अंदर डेफिशंसीज क्या है आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं ठीक है अब बहुत से ऐसे बच्चे अगर छोटे बच्चों के हम कैटेगराइज कर लेंगे छोटे बच्चे हैं या डर्ट्स हैं या बूढ़े हैं नॉर्मली तो यही ट्रेंड है कि जैसे आप फोर्टी प्लस हो जाए तो मल्टीपाइटेंट लेने शुरू कर देने चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में एक नेचुरल मेकानिज्म होता है कि आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं सारे स्लो डाउन हो जाते हैं लेकिन आजकल का जो हमारे खाने पीने या लाइफ स्टाइल है उनके जो छोटे बच्चे हैं जिनकी ग्रोइंग एज होती है तीन से लेकर बारह साल तक वो भी अपनी पेन की शिकायत कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बोन्स बड़ी रेपिडली ग्रो कर रही होती हैं तो उनको एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है उनको पूरी होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही होती तो जिसके नतीजे में अक्सर जो है बच्चे कम, कंप्लेन करते तीन साल का बच्चा कंप्लेन कर रहा होता है खासतौर पर जब रात को सोता है या सोने के दौरान उठ भी जाता है कि अच्छा मेरे जो है वो आ, काफ मसल में पेन हो रही है या मेरे पाओ में दर्द हो रहा है या मेरे टांगों में दर्द हो रहा है ठीक है तो आपकी बेसिक जो डाइट है वो ही मेन चीज है ठीक है आप लें लेकिन जब आपकी डेफिशिएंसी कोई बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन

ठीक है अगर हम दूध का इस्तेमाल रेगुलर करें ठीक है एक गिलास तो उसमें कैल्शियम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है वाइटमिन डी है अब आप जो है वो धूप में बहुत ज़्यादा होता है आप सुबह जब आ, उठते हैं आप जब मॉर्निंग वॉक करते हैं ठीक है तो अपना जो है आप एक्सपोजर होना चाहिए आपका सनलाइट में भी ताकि आपका जो वाइटमिन डी है वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाए इसके अलावा आप जो दूध का इस्तेमाल करें फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें आपका आजकल जिस तरह मैंगोज आ, आ रहे हैं ठीक है एप्पल आ रहा है उसमें आयरन होता है ओवरऑल सारी चीज़ें मिलकर जो है आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज को पूरा करते हैं

मैनेज कर सकते हो कुछ ऐसी होती हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऑटो ऑटोमिन सिस्टम होता है कि आपकी अपने ही बॉडी के ख़िलाफ़ जो आपके सेल्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका फिर लाइफ टाइम रहता है अथाइटिस uh, तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बच्चों में भी होते हैं ठीक है लेकिन जैसे ही वो एक सर्टन एज पे पहुंचते हैं वो खत्म हो जाते हैं ठीक है लेकिन अगर ओल्ड एज की बात करें तो कुछ अथाइट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आर ए रिमाथाइज अथराइट होता है या ओस्ट्राइटिस होता है इनको जो है वो आप क्योर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है अगर बच्चों की बात करें तो इसमें बच्चों में मोस्ट कॉमन जुवेलन एथराइट है ठीक है थीके? जो सोलह साल से जितने भी मतलब नीचे बच्चे हैं कुछ बच्चों में ठीक है ये अगर आप उसको बॉडी पेंस हो रही हैं उसको साफ फीवर हो रहा है उसको रैश हो रहा है कि उसको मीन जुबराइटिस है तो लेकिन वो जैसे ही कोई 18, 19, 20 साल की उम्र में पहुंचे वो खुद ही सबसाइड हो जाएगा ठीक है इसके अलावा अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स में अडल्ट में खास पर पे रे कॉमन है उसमें भी यही आपके सिम्टम्स होते हैं कि आपकी स्वेलिंग होती है जॉइंट्स की ठीक है और आपके स्मॉल आर खास खासतौर पर उसमें स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल जॉइंट्स में इनके आपके हाथों और पाओं के जो ज्वाइंट्स छोटे वाले ज्वाइंट्स हैं ये ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं लेकिन अगर आपको एक दफा आ रहे हो गए तो उसने आपके साथ लाइफ टाइम चलना है इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो प्रॉपर मेडिकेशन है ठीक है आप रेमाटोलॉजिस्ट को दिखाएं वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा जिसमें डिफरेंट किस्म के स्टीराइड और एंसर्स पेन मैनेजमेंट के हवाले से और इस तरह की चीज़ें होंगी अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो वो आपकी लाजमी होगी क्योंकि उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते आपकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी इसमें आप एक किसी भी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके एक प्लान लें जिसमें वो आपको प्रॉपर गाइड करे कि आपका ये इशू है वो प्लान भी उसके साइन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही बनता है सबका प्लान सेम नहीं होता कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है ठीक है उनका प्लान थोड़ा डिफरेंट होता है कुछ ऐसे होते हैं जो लीन बॉडी में ऐसा होता है ठीक है मतलब जो थोड़े वीक होते हैं उनका प्लान डिफरेंट होता है उसमें भी भी आपकी बेसिक वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने जो है वो बैठना कैसे है आपका जो है वो एक्सरसाइज जो है वो आपने किस तरीके से करनी है दिन में दो दफ़ा करनी है तीन दफ़ा करनी है मसल्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है अगर हम बूढ़ों की बात करें या जैसे हम फोर्टी प्लस होते हैं तो एथराइटस नॉर्मली सब में स्टार्ट हो जाता है ठीक है ये एक नेचुरल मेकानिज़म है क्योंकि आपकी बोन्स जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है जिसमें ओस्ट है ओस जो प्रोसेसर है जिस ख़ासतौर तो पर फीमेल जब उनका इम्यूनोपॉज होता है जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकल एक होता है वो करीब होता है ख़त्म होने के या खत्म हो जाता है तो हमारा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन उसकी वजह से ठीक है आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन होना शुरू हो जाती है तो आप अथाइटिस की तरफ जाना शुरू हो जाते हो और ये जो खासतौर तो पर उस जो प्रोसेस है इसको साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि जब आप इसमें कुछ सिम्टम ऐसे उस तरह का शो नहीं होता वो तो तब मरीज को पता लगता है जब हल्का सा कहीं गिरा तो फॉर्म फ्रैक्चर हो गया अक्सर सुन